अबे तू सीएम है, तू पे दिल्ली की जनता को नहीं संभाल सकते क्या? हमारे योगी जी ने इतना बड़ा इलाका चाह रखा, सारे कोई बैठ जाओ। ये जो दिल्ली वाले बोलते हैं कि हमें फ्री बट रहा है, तुम क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं दिए क्या कमाने के लिए? तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम फ्री का खा रहे हो। सेंटर पे इसने 15,000 करोड़ का कर्जा, वो अपने घर से बना रहे क्या? बस का किराया फ्री, बिजली फ्री, उसका घर बन रही है क्या? घर की सरकार है क्या? फिर कहते हैं कि योगी जी ने कुछ नहीं करा, मोदी जी ने कुछ नहीं करा। पर हमें तुम्हें बताऊं, योगी जी रहेंगे, अभी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी बनेंगे और बन के ही रहेंगे और हम बनाएंगे। और जिसमें दम हो ना वाली जो क्या, ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, काम भी कर रही है कोई लॉ ऑर्डर का? काम तो इसने ऐसा करा है कि शायद कोई करेगा नहीं, ना आने वाले टाइम पे करेगा, ना किसी ने करा। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, ते तो योगी जी के आने से पहले पता है कितने यूपी में दंगे हुए हैं, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ में रोज दूसरे तीसरे दिन। अब कर लो कोई सा जाके, जो आतंकवादी बनता हो जाके बैठ जाओ, कोई सा बैठो, इतना लठ बजेगा ना कई पूछते याद करेंगे कई। तो यू हमारी जो सरकार है एकदम नंबर वन है, ना किसी चीज़ की दिक्कत ना कुछ, हम मजे से रहे। मैं बुलंदशहर का हूँ, मजे से रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं किसी भी बात की। पूरा देश का विपक्ष यही बोलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है काम करने में काम नहीं करती है। योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको केवल वो मठाधीश हैं, उनको घंटी बजाना चाहिए इनके पास। ये घंटी वाले इनकी दुकान बंद होगी है ना, दुकान बंद होगी है तो उनको तो भैया इधर से और उधर से हर जगह से आएगा। उनको घंटी बजाने को मिल नहीं रही, रोटी सेकने के लिए पैसा नहीं मिल रहे, तो भैया उनकी दुकान तो बंद कर दी। वो तो अपना कहेंगे जो भी कहना। पर हम मैं तुम्हें बताऊं, योगी जी रहेंगे, अभी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री भी बनेंगे और बन के ही रहेंगे और हम बनाएंगे। और जिसमें दम हो ना वाली जो भैया देखो, कोई भी किसी भी मंच से हो, हर मंच से जो है हर विपक्षी आदमी यही बात बोलता है। जिन्होंने सरकार कर चलाई है उनके नेता भी वही बोलते हैं। अभी कोविड की जो बात आ रही है, कोविड प्रिकॉशन लेने की बात सरकार कर रही है, तो विपक्ष से ये सुर आने लग गए हैं कि सरकार जो है हमारी जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी का कहना है कि अब ये कोरोना का राग अलापने लगे। इन्होंने 70 साल में भारत नहीं जोड़ा क्या? जो इन्होंने चार, ये जो जब से बीजेपी आई है इन्होंने देख लिया कि भारत टूट गया। जो 70 साल से कांग्रेस बैठी थी, जब नहीं जोड़ा था क्या इन पे? जो ये अब जोड़ लेंगे भाई, कांग्रेस नो कहीं भी और ना आएगी। ये जो एमसीडी में जो केजरीवाल जी हैं, अभी मैंने कल एक उस पर देखा था, एक और TNN वर्ल्ड चैनल पे एक लड़का है दिल्ली का, तो भाई मैं तुझसे भी कहना चाह रहा हूँ, पंडित है वो के नाम से, उस बंदे का मैंने सारे डिबेट देखे, तो उससे मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर तुझे मुझसे मिलना ना तो मुझसे मिल लिया के। उस बंदे में क्या है, अभी ये जो हमारी जो बहन जो जिसके पैर हुए थे, उस बंदे को ये नहीं पता वो है कौन। उस बंदे की उस चीज़ में डिबेट नहीं आई हैं। और दूसरा जो ये क्या बोलते हैं, अब कल जो ये पठान मूवी, पता नहीं मुझे क्या चला क्या नहीं चला, वो बंदा 20-21 साल का हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनके लिए इतना बुरा भला बोल रहा है कि मैं उससे ये कहना चाह रहा हूँ, भाई अगर तुझे दिक्कत है ना बीजेपी से तो मेरे से आके मिल लिए। उस बंदे की ऐसी है, भैया 500 रुपये दिए और तू आज चला जा और बीजेपी की धज्जी उड़ाया, बस उस पर ये काम है। और अपने आप को वो वकील बताता है कि मैं LLB कर रहा हूँ, तो 13.5 जैसे वकील मेरे दौरे रोज घूमे हैं, ठीक है ना, जहाँ भी मेरी सुन रहा हो मेरे से मिलिए आके। उस बंदे से मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी ये बोलता है ना बीजेपी के लिए कि मोदी जी ये कर रहे हैं, योगी जी ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, अबे तू केजरीवाल पे अपनी दिल्ली सरकार है संभाल लें, जो चल रही है अपनी चवा संभाल। जिस तरह से जो है हर मंच पे ये देखिए पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, जो हमारी सर्वोच्च अदालत है, जो सर्वोच्च जो है हमारी पंचायत है, वहाँ पर किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन नहीं होता है, वॉकआउट हो जाता है। तमाम जो है कोई भी मुद्दे होते हैं, विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है कि सरकार को चेतावनी देने का या मुद्दे उठाने का। जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि सभी लोगों का है बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर हमको, लेकिन विपक्ष कुछ बात, एक बात बताओ, ये जो बेरोजगारी वाले बता रहे हैं, ये मैंने भैया का सुना था, वो कह रहे थे 15,000 की जॉब है, 5,000 का किराया, भाई मत दो, पेट भरने को तो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बिना हाथ तोड़े मुँह में रोटी जाएगी नहीं, हम भी कर रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, 5 में का
तस्वीर भी रहोगे, तुम्हारे आगे मजबूरी है ना, तो तुम अच्छी पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। और तुम्हें एक बात बताओ, एक के घर में 10-10 रहेंगे तो बेरोजगारी क्यों ना बढ़ेगी? अब तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या बोलते हैं उसमें, क्या कह रहा भाई, बिहार बार में 4-4, 5-5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है इस समय, ठीक है? हम लोगों ने यूपी में पूर्वांचल में करके रखे ग्रेजुएशन, इंग्लिश का ये तक नहीं आता, एक छोटी सी इंटरव्यू निकालने जाओ तो इंग्लिश चाहिए, ठीक है? अब बढ़ावा दे लो पूरा हिंदी का कि भाई हिंदी पढ़ो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है? पढ़ लो सारा कुछ। मेरे कहने का मतलब है कि जो स्वस्थ जो बहस होती है, जैसे आप यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, क्यों हमारी जो है जो पंचायत है उसमें क्यों नहीं हो पाता है, क्यों वॉकआउट हो जाता है, 10 बजे जाते हैं, 12 बजे जो है ये सदन स्थगित हो जाता है, आखिर में जो है रोड पे जो है कोसने के बजाय जो है वहाँ पे सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते हैं पार्लियामेंट के अंदर? बड़े उसमें क्या कहें जी, अब क्या कहें मैं जी, उसके लिए हम राजनीति इतनी चल गई है कि एक दूसरे को एक मिनट में रफा दफा मामला हो रहा है। नेताओं को ये चाहिए कि पार्लियामेंट चले, क्योंकि पार्लियामेंट से ही जिम्मेदारी तय होती है, बाकी बाहर तो भाषणबाजी होती है, जहाँ गए वहाँ भाषण दे दिए, मोदी साहब अपना दे दिए, राहुल साहब अपना दे दिए, केजरीवाल साहब अपना दे दिए, इससे कल हो भाई वो तो कोई मतलब अर्थराइज चीज़ें नहीं है, ठीक है? पार्लियामेंट में जो बातें हैं वो पूरी रिकॉर्डेड होती हैं, वहाँ आकर जब निष्कासन न हो वहाँ चले, ठीक है? उनका कोई मुद्दा हो, विपक्ष का हो या पक्ष का हो, वहाँ आकर जवाब दे, अगर जब वहाँ आकर जवाब दे तो वो जवाबदेही तय होती है, हाँ भाई की रिपोर्ट या रिकॉर्ड निकलती भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? बाहर तो पता नहीं क्या क्या होता है कि भाई हाँ भाई हमने 5 करोड़ का नौकरी दे दिया, अब भाई वहाँ जवाब देकर दिखाओ ना 5 करोड़ का दिया कि नहीं दिया, हमने 50 करोड़ बता दिया भाई, हमने यूपी में 10 करोड़ दे दिया, बिहार में 20 करोड़ दे दिया, बंगाल में इतना दे दिया, क्या मतलब है क्या इसका? हम तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे ही होना चाहिए। पार्लियामेंट में बताओ बिहार क्यों आते हैं, क्यों आते हैं आगे बिहार के? अगर जब हमारे बिहार में रोजगार रहता तो उत्तर प्रदेश में आते बिहार के आदमी आते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कौन सी पार्टी ये सब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे बिहार में इतना फैक्ट्रिया रहता था उत्तर प्रदेश में क्या करने आते बिहार का आदमी? वही बोलते हो कि ये योगी जी गलत हैं? एक बात मैं एक बात बता रहा हूँ सुनो, मैं एक सरकार सरकार कोई भी आ जाए महंगाई कोई कम नहीं कर सकता, सिंपल, नोएडा में इतनी जो है करने वाले की कमी है, ठीक है? ये बात सही है, करने वाले कमी है, ठीक है? करोगे तो खाओगे, कोई सरकार आ जाए कोई पैसा नहीं देगी, जितना बेनिफिट आजकल सड़क देख लो, उत्तर प्रदेश का विकास, देश का विकास सड़कों से होता है, ठीक है भाई? सड़क बनेंगी तो महंगाई भी होगी, ठीक है? महंगाई हमारी तुम्हारी क्यों चलोगे? सरकार तो सरकार के साथ आदमी थोड़ी चल रहे, हम भी चलेंगे इसमें तो, क्यों बेनिफिट हमारा है ना इसमें भी? सुनो अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो दिल्ली वाले बोलते हैं कि हमें फ्री बट रहा है, तुम क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं दिए क्या कमाने के लिए? तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम फ्री का खा रहे हो। सेंटर पे इसने 15,000 करोड़ का कर्जा, वो अपने घर से बना रहे क्या केजरीवाल? क्या वो कमा नहीं रहे क्या दिल्ली के? दिल्ली में नोएडा से ज्यादा पैसे वाले रहते हैं, सबको पता है, वो दे नहीं सकते क्या? बस का किराया फ्री, बिजली फ्री, उसका घर बन रही है क्या? घर की सरकार है क्या? फिर कहते हैं कि योगी जी ने कुछ नहीं करा, मोदी जी ने कुछ नहीं करा, और दूसरे दिन जब दंगे होते हैं भाई मोदी जी कुछ नहीं कह रहे। अबे तू सीएम है, तू पे दिल्ली की जनता को नहीं संभाल सकते क्या? हमारे योगी जी ने इतना बड़ा इलाका चार रंगा, सारे कोई बैठ जाओ, आ जाओ कहीं जू भी निकल गए, और बहन जो रोज दूसरे तीसरे दिन तुम वहाँ पे क्या कह मैं उसे ऊ करवाते रहो दंगे, बताओ बहन जो दो दो तीन तीन साल के बाल कन्ने मार रहे हैं, तो अपने खुद के खर्चे जोड़ के देखे ना, बेफालतू काम करता है, बेफालतू खर्चा करता है, वो जोड़ के देखे महंगाई कुछ नहीं नजर आएगी, वो बेफालतू खर्चा करता है उसको मैनेज करे कि एक महीने में बेफालतू खर्चा कितना करता हूँ, और महंगाई 2 रुपया बढ़ जाता ना, महंगाई उसको नजर आती हूँ। योगी जिंदाबाद, मैं हरदोई से सुनो यूपी में अब ये बीजेपी के लिए मोदी जी के लिए बोलते हैं, पूरा विपक्ष जो है पूरा विपक्ष ना खाली उत्तर प्रदेश में सुनिए तो कैसे काम कर बिहार वाला के क्या बात रखनी है भाई? बिहार में काना हो रहा मनु बताओ, अब देखो यूपी से ज्यादा पढ़ने वाले बिहार के हैं, बिहार के पढ़ते नहीं, अच्छा सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब बिहार वाले इनको यूपी से ज्यादा, तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे? तुम में क्यों नहीं पढ़ रहे ये बताओ? सब पढ़ रहे हैं। हाँ तो बस ये बात बोलो ना, सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसमें हिम्मत है वो पढ़ के आईपीएस, यूपी से ज्यादा बिहारी, आईपीएस सारे सारे बिहार के,
तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे, तुम क्यों ना पढ़ रहे, तुम क्यों 15,000 की नौकरी के पीछे पढ़ भाई, हम पे नहीं पढ़ा जा रहा, हम कर रहे हैं। हमारी बात खत्म, तुम पढ़ो, तुम्हारे बिहार में भाई हमारी यूपी से ज्यादा है, तुम्हें भी पता ना, सारे आईपीएस आईएएस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सब में। देखिए हमारा नाम शिवदत्त कुमार यादव है, बिहार जो है ना आईएएस जितना निकलता है पूरा देश में पूरा बिहारी निकलता है, और जितना भी कंपनी के बड़े बड़े पद पर प्राइवेट कंपनी पे वो बिहार का ही है। आप पूछिएगा बिहार में भाई कहीं नहीं, वहाँ पर उद्योग कल कारखाना है, वहाँ पर इसीलिए नहीं है कि लैंड स्टॉक है, वहाँ पे बाढ़ है, नेपाल से बूढ़ी गंडक बिहार का कोसी का शोक कहा जाता है, वहाँ पर मतलब कि बाढ़ की समस्या है, बाढ़ का समस्या का समाधान कौन करेगा नेपाल से, सेंट्रल का गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल का जो गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी ने बिहार के बाढ़ की समस्या को समाधान नहीं किया, जिसके कारण बिहार में ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में क्या चीज कमी है, एक से एक, मैं HDFC अर्गो में हूँ। अच्छा सुनो नीतीश बाबू, सुशासन बाबू कितने साल कितने बार जो है इस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और कभी BJP के साथ, कभी जो है ये लालू प्रसाद जी के याद, तमाम जो है वो दल बदलते रहते हैं, वहाँ पर वो मॉडल देने के बाद अब वो जो है सर्वमान्य नेता बन करके 2024 में प्रधानमंत्री बनने के जो है जुगत में है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका समाधान वहाँ पर। देखिए मैं नीतीश कुमार की सरकार में MA किया हूँ, अब कभी तक प्राइवेट जिंदगी में नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। नीतीश कुमार ने महिलाओं का उत्थान किया, बिहार की हालात बहुत ही दयनीय थी, उन्होंने साइकिल योजना किया, पोशाक योजना किया, दलितों के बच्चों के पढ़ने के लिए उनको छात्रवृत्ति दिया गया, वहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा गरीब के बच्चों को पढ़ाई किया गया। बिहार का शिक्षा दर क्या था 2005 से पहले, बुरा हालत था, बैकवर्ड का बच्चा चाहे वो जादव हो, कुर्मी हो, धानुक हो, कोयरी हो, उसका बच्चा नहीं पढ़ता था, उसका बच्चा भैंस चराता था, गधा चराता था, तो एजुकेशन को डेवलप किया। ऐसा नेतृत्व तो क्यों नहीं दे रहे हो कि जो आपने अपने बिहार के बारे, अभी देखो डबल इंजन की सरकार थी, इनके साथ मिलकर के वहाँ यहाँ से पैकेज लेकर के, और डबल इंजन की सरकार में थे ना भाई, उनके अल्पमत में थे, और उनके बाद जो है उन्होंने सपोर्ट किया था, मुख्यमंत्री रहते, बीच में क्या ड्रामा हो गया, जिस पार्टी को वो कोसते थे लालू प्रसाद जी यादव जी को, उनके साथ फिर अलायंस कर दिया, आखिर क्या है महत्वाकांक्षा क्या है। बहुत अच्छा योजना, आप तो पत्रकार महोदय हैं, 1974 का आंदोलन आप जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, ये सब JP नारायण के मोमेंट से निकला हुआ सब समाजवादी लोग है, सोशलिज्म है, अब एक ही जगह से निकले थे, अब बताइएगा दोनों में खटपट हो गया, फिर दोनों क्यों आए। आपको पता होगा मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने JDU को तोड़ दिया, भारत अभी JDU जो 70 से 71 से 45 पे आया, क्यों, चूंकि रामविलास पासवान के जो बेटा आदरणीय चिराग बाबू हैं उनको वहां पे लड़ाया गया, जिसके कारण JDU कमजोर हुआ, JDU के कार्यकर्ता जो था बोला कि हमको भाजपा जो है ठक रहा है, इसीलिए उन्होंने तेजस्वी बाबू से बात किए, तेजस्वी यादव जी से बात किए कि हम सब युवा मिलकर के बिहार का विकास करेंगे। अच्छा ठीक है, अब बात है, देखो सुनो, जिस तरह से परंपरा चली आ रही है, मोदी जी मॉडल, मोदी जी गुजरात का मॉडल लेके आए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बने, नीतीश बाबू भी कह रहे हैं कि 2024 में हम सबको साधेंगे और एक सर्वमान्य नेता बन करके हम जो है मोदी को हटाएंगे, तो क्या लगता है कि मोदी को टक्कर दे पाएंगे नीतीश बाबू। देखिए नीतीश कुमार जी का चेहरा और मोदी जी का चेहरा, मोदी जी विश्व के नेता हैं, हम मोदी जी के समर्थक न हैं, लेकिन ये सच है कि मोदी जी विश्व के नेता है। रही बात नीतीश कुमार बाबू का, नीतीश कुमार थोड़ा सा कभी इधर पलटी मार गए, कभी इधर पलटी मार, राष्ट्रीय राजनीतिक में उनका जो कद होना चाहिए था वो आप मोदी जी से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुजरात में जो विकास हुआ, मैं दावे के साथ जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, उससे कहीं ज्यादा बिहार में विकास हुआ, शराबबंदी हुआ, वहाँ पे हमारे जैसे बैकवर्ड का बच्चा MA किया फ्री में, दलित का बच्चा पढ़ा लिखा, वहाँ के महिला घर से नहीं निकलती थी, गोबर का काम ही करती थी, आज के दिन साइकिल पर चढ़ के बढ़िया कपड़ा पहन करके जाती है हाई स्कूल करने के लिए, BA करती है, आप पता कर लीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए कि BA बिहार की लड़की ना, मिश्रा होता था, झा होता था, ब्राह्मण के बच्चे पढ़ाता हो सके, सुनिए सबका, समझ रहा हूँ, देखिए इतने समझदार हैं आप, प्रतिभा पलायन हो रहा बराबर,
चाहे वह प्रतिभा है चाहे वह मजदूर है, हमेशा पलायन हो रहा है। वहाँ पे इतने बड़ा जो है लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे जो है बुनियादी ढांचे को क्यों नहीं जो है तैयार किया जा रहा है ताकि वहाँ की प्रतिभा वहीं रहे, ये जो है ब्रेन ड्रेन ना हो और जो जो पलायन हो वो ना हो, ऐसा नेतृत्व तो कौन आ सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है, बताओ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, वहाँ का डेवलप कैसे होगा। आपने तेजस्वी बाबू का, तेजस्वी यादव जी का आपने कुछ हाल फिलहाल में सुना होगा, अभी उन्होंने मीट प्लान भी हुआ था, बड़े बड़े उद्योगपति भी बिहार के अंदर में आए थे। ऐसा प्लान पॉलिसी बनाया जा रहा है जिसमें कि बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर में लीची होता है, हाजीपुर में केला होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में लगने वाला है, पटना के अंदर में आईटी बनाया जाएगा, अभी आपने देखा होगा चनपटिया, गूगल पे सर्च करिए। नहीं, तेजस्वी यादव जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि हम बिहार को अब उद्योग आर्थिक न्याय करेंगे, लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय किए थे, अब हम आर्थिक न्याय करेंगे, सब जात ए टू जेड, सब ज़्यादा ब्राह्मण भूमिहार राजपूत सब मिल करके आर्थिक न्याय करेंगे, कंपनी खोलेंगे, लोगों को जॉब देंगे, लोगों को वैकेंसी निकलेगा। अभी सुना होगा 75,000, पता कर लीजिए कि बिहार के कैबिनेट ने पास कर दिया सिपाही में कांस्टेबल के लिए।